शुरू करें। मित्रों, आप सभी ने एक कहावत सुनी होगी कि सक्सेस हैज मैनी फादर्स एंड द फेलोअर इज ऑर्फन, यानी सफलता के कई मालिक होते हैं और असफलता अनाथ होती है। परंतु भ्रष्टाचार के जो नए नए स्वरूप उभर कर सामने आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के हालिया प्रकरण में, तो ऐसा प्रतीत होता है कि करप्शन हैज मैनी फादर बट द मनी इज ऑर्फन, अर्थात भ्रष्टाचार के नित नए अलंबरदार उभर रहे हैं मगर वो जो पैसा है वो अनाथ है, उसको कोई क्लेम नहीं कर रहा है। और इसी सिलसिले में आज मीडिया में आप सब ने यह रिपोर्ट देखी होगी कि एक व्यक्ति जिसने दुबई में बैठ के यह दावा किया है, मैंने क्यों कहा कि कई नाथ उत्पन्न हो गए हैं, अब एक नया नाथ उत्पन्न हुआ है जिसने कहा है कि उस बेटिंग ऐप का मालिक तो मैं हूं, और इसी के साथ साथ उसने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, उनके सहयोगियों के बारे में स्पष्ट रूप से अमाउंट कोट करते हुए पैसा देने की बात कही है। यानी एक के बाद एक नए खुलासे आ रहे हैं। इसे देख के कभी कभी मन में विचार उत्पन्न होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी फील्ड में इतने माहिर होते हैं कि उनका रिकॉर्ड वही तोड़ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं तोड़ सकता। तो कांग्रेस पार्टी आज यह प्रमाण दे रही है कि भ्रष्टाचार के मामले में नए तरीके इजाद करने हो या नए आयाम खड़े करने हो, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उन्होंने ही अपना प्रीवियस रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए, पूर्व कीर्तिमान को ध्वस्त करते हुए, अब जुए में भ्रष्टाचार का एक नया कीर्तिमान दिखा दिया है। और जो तरीके सामने आए हैं कि किस प्रकार से खाड़ी के देशों में पैसा जा रहा है और उसके बाद आ रहा है, और प्राइवेट बेटिंग ऐप में भी उन्होंने क्या शानदार तरीके से बुद्धि लगाई और कैसे भ्रष्टाचार किया जा सकता है इसकी जुगत भिड़ाई, मुझे लगता है कि अब जो नए खुलासे हो रहे हैं तो ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति ना होगी, इसको शब्दशा ना लिया जाए, मैं प्रतीक में कह रहा हूं, शायद जिस ढंग से नित नए तरीके भ्रष्टाचार और ठगी के कांग्रेस पार्टी इजाद कर रही है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने उसमें एक नया डायमेंशन ऐड किया है, शायद नटवरलाल और चार्ल्स शोभराज जैसे कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय ठगों के शातिर तरीकों को भी मात देती हुई दिखाई पड़ रही है। जन कल्याण की जगह जुए पे सारा ध्यान दिया और सात समंदर पार उस जुए का सामान पहुंचा दिया। जिस ढंग की बातें एक व्यक्ति शुभम सोनी ने मीडिया में बोली हैं, मुझे लगता है, मैंने क्यों कहा कि ऐसे ऐसे नए डायमेंशन, छत्तीसगढ़ की सरकार हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक सरकार थी जिसने चारा में घोटाला किया था, इन्होंने गोबर में घोटाला किया। अब आप सोचिए, गाय के गोबर में घोटाले से लेके इंटरनेट के आधुनिक बेटिंग ऐप तक इतना विविधतापूर्ण भ्रष्टाचार आपको भारत की राजनीति में देखने को नहीं मिलेगा। यू विल नॉट बी एबल टू विटनेस सच ए डाइवर्सिफाइड लेवल ऑफ करप्शन विद द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैड सेड। और छत्तीसगढ़ के गांवों से लेके खाड़ी के देशों तक इतना बड़ा ज्योग्राफिकल स्पैन एक छोटे से राज्य में भ्रष्टाचार का आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता बहुत साफ साफ यह बात समझ रही है कि सरकारी जुआरियों को अब दूसरी पारी नहीं मिलनी चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसा विदेश कैसे गया और विदेश से कैसे आया, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। पर ज्यादा गंभीर बात यह है कि पहले तो भ्रष्टाचार को उस निचले स्तर तक लाना कि जुए का पैसा प्रयोग करना और उसके बाद खाड़ी के देशों में पैसा जाना और खाड़ी के देशों से पैसा आना,
मुझे लगता है कि अब भूपेश बघेल जी और राहुल गांधी जी दोनों के पास अब कोई चारा नहीं है, उन्हें साफ साफ सफाई देनी होगी कि यह पैसा कहां से आया। यह सवाल हम नैतिक और राजनीतिक आधार पर पूछ रहे हैं। आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन ऑन द मॉरल एंड पॉलिटिकल ग्राउंड। एज फार एज द लीगल ग्राउंड द एजेंसीज विल डू देयर ओन वर्क। कानूनी दृष्टि से एजेंसियां काम करेंगी, परंतु आज उनके ऊपर यह बाध्यता है कि वो नैतिक और राजनीतिक उत्तर दें। इट इज इनकम्बेंट ऑन देयर पार्ट टू रिप्लाई ऑन द पॉलिटिकल एंड मॉरल एस्पेक्ट ऑफ दिस। बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी की जो मोहब्बत की दुकान है, इसमें ये इंपोर्टेड भ्रष्टाचार का सामान है, और वो भी ड्यूटी फ्री। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात का साफ जवाब देना चाहिए कि उनके इस भ्रष्टाचार का खाड़ी के देशों से क्या कनेक्शन है। मेरा सीधा सवाल कांग्रेस पार्टी से यह है कि जो कुछ ये खुलासा हो रहा है और विदेश में बैठा एक व्यक्ति कर रहा है, तो विदेश और खाड़ी के देशों के साथ उनका इस पैसे के लेन देन से क्या लेना देना है, यह उन्हें साफ साफ स्पष्ट करना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, ये सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है, छद्म हिंदुत्व है। दिस इज नॉट सॉफ्ट हिंदुत्व, इट इज द सूडो हिंदुत्व। बिकॉज एवरी टाइम व्हेन एवर इलेक्शन टेक्स प्लेस आपको ये दिखते हैं, और दूसरी तरफ जस्ट टू थिंग्स, इन्हीं के दक्षिण भारत के सबसे बड़े एलआई कॉन्फ्रेंस करते हैं, बयान नहीं देते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी सनातन धर्म का समूल नाश। और विदेश में बैठ के राहुल गांधी जी का बयान याद है, मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट। उनसे पूछिए, मुस्लिम लीग इज सेकुलर एंड व्हाट इज योर व्यूज ऑन बीजेपी। तो ये जो दोहरा तरीका है, राम मंदिर को लेकर उनकी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग जाती है, और अगर आप सोचें कि उसके बाद आप केदारनाथ में जाकर देश की जनता को भरमा लेंगे, तो इस देश की जनता ने पंचतंत्र की कहानियों में भगत और बगुला भगत दोनों की कहानी पढ़ी है, और उसमें अंतर करने की वो क्षमता रखती है। देखिए, केंद्र सरकार इसमें, देखिए जांच एजेंसियों काम है, यद्यपि बहुत टेक्निकली तो वही बता सकते हैं, विगत करीब करीब एक वर्ष से यह कार्य चल रहा है, 2022 से, और अब जो जो तथ्य प्रकाश में आते जा रहे हैं, वो कैसे प्रकाश में आ रहे हैं, मेरे विचार से एजेंसीज की सक्रियता होगी, और जहां जहां तक वो पहुंच रहे होंगे उसी के आधार के ऊपर यह तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं, और उसके अनुसार जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वह एजेंसियां करेंगी। परंतु मैं पुनः कह रहा हूं, यहां विषय विधिक नहीं है, यहां विषय नैतिक और राजनैतिक है। हियर द क्वेश्चन इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल, द क्वेश्चन इज मॉरल एंड पॉलिटिकल। कांग्रेस पार्टी इस आधार पर अपने नैतिक और राजनीतिक उत्तरदायित्व से बच नहीं सकती। नए रिपब्लिक मीडिया ने भी इस विषय में और कई विषयों के ऊपर कई अच्छे और प्रभावी खुलासे किए, बट कांग्रेस पार्टी की तो ये टेंडेंसी है, आज की बात थोड़ी है, हमेशा से। मैं उस पुराने विस्तार में नहीं जाना चाहता, सवाल इस बात का है कि उन्हें मीडिया को जवाब देना चाहिए। मैदान छोड़कर भागने से, जवाब देकर बचने से, कि शुतुरमुर्गी तरीके से आप हकीकत से बच नहीं सकते। और जी,
बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। अब मैं इसका उत्तर संक्षेप में केवल 3 बिंदुओं में दे देता हूं। कांग्रेस का यह आरोप है कि चुनाव के कारण यह हो रहा है। हम 2023 में बैठे हैं। कांग्रेस 1990 के बाद से कोई 2-3 वर्ष बता दे जब उनके किसी भी नेता के ने भ्रष्टाचार के आरोप में जांच एजेंसी या कचहरी के चक्कर न काटे हों। 30 साल के 1993 to 2023, राजीव गांधी जी के जमाने में वो फोर्स पे लग गया था, अलग बात है। नरसिम्हा राव जी के जमाने में 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी केस, मोदी जी थे, अमित शाह जी थे, क्या ये कोर्ट से प्रूवन केस की बात कर रहा हूं। फिर नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद कचहरी में खड़ा होना पड़ा। मनमोहन सिंह जी के कितने सारे केस। इवन विनम्रता से कहता हूं कि जिस मुद्दे पर कांग्रेस के अध्यक्ष से अधिक शक्तिशाली दो नेता, अध्यक्ष जिनकी छाया मात्र है राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, जिस मुद्दे पर जमानत में है वो कोर्ट के द्वारा है। 2013 अक्टूबर का मामला है, नेशनल हेरल्ड केस, हमारे जमाने का नहीं है। इसलिए इनके ऊपर भ्रष्टाचार के जो केसेस हैं ये सदा सर्वदा से रहे। पिछले 30-40 सालों से लालू प्रसाद यादव जी 97 में जेल चले गए थे, आप 2014 की बात कर रहे हैं आरोप की। और एक और बात कह दूं, ये विदेश से पैसे का मामला हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ ही क्यों जुड़ जाता है। आज खाड़ी के देशों में बैठकर एक व्यक्ति शुभम सोनी यदि कांग्रेस के पार्टी के मुख्यमंत्री या बड़े नेता के साथ 508 करोड़ रुपए की बात कर रहा है, उनको लगता है कि यह चुनाव की वजह से पहली बार हो रहा, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं ये विदेश में बैठ के जितने भ्रष्टाचारी हैं वो क्रिश्चियन मिशेल हो, वो गाइडो हैशके हो, वो ओटावियो क्वाट्रोची हो, या वोल्कर रिपोर्ट 2007। भैया 1987 से लेकर 2014 तक हमेशा विदेश में बैठा हुआ कोई भ्रष्टाचारी जो पैसे का विनिमय करता है। पुनः कह रहा हूं, ओटावियो क्वाट्रोची 87-88, उसके बाद गाइडो हैशके, क्रिश्चियन मिशेल 2007, वोल्कर रिपोर्ट। भैया सब जगह से आपका कनेक्शन निकलता है। तब चुनाव हो रहे थे क्या, भारतीय जनता पार्टी थी क्या, या मोदी जी अमित शाह जी का कहीं राजनीति में स्थान भी था क्या। इसलिए मैं पुनः कह रहा हूं, इन बातों को कहकर कांग्रेस अपने काले अतीत और भ्रष्टाचारी वर्तमान से बच नहीं सकती। धन्यवाद। मतलब पहली बार आपको ऐसा लगेगा कि कोई सरकार अगर पैसे की जांच हो रही है तो उस पे विरोध कर रही है, तो आप समझ सकते हैं जांच की आंच कहां तक पहुंच रही है। मुझे लगता है आप सब लोग प्रबुद्ध पत्रकार हैं और देश की जनता से भी कहूंगा जरा अनुसंधान करें और ये बताएं कि कब ऐसा हुआ है कि सरकार ने कहा है कि चुनाव के दौरान काले पैसे के लिए गाड़ियों की जांच नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है ये बयान अपने आप में पर्याप्त है कि जो आरोप लग रहे हैं उनके अंदर कितना यथार्थ है। सर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने आज भरोसे का घोषणा पत्र जो है वो जारी किया और दावा किया है कि पिछले 5 साल में उन्होंने 36 वादे किए थे जिसमें से 98% वादे पूरे किए हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार में जो है 31 दावे में से 25 दावे तक भी पूरे नहीं। देखिए, भरोसे की जहां तक बात की जाए तो भरोसे का तो सारा गुड़ गोबर उन्होंने पहले ही कर दिया था, तो मुझे लगता नहीं है कि जनता उनके ऊपर भरोसे के लिए है। तो सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही एक घटना बस बता देता हूं। छत्तीसगढ़ में ही खड़े होकर 2018 में राहुल गांधी जी ने उस तेवर में बोला था ना, बस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन में किसानों का सारा कर्जा माफ होगा वरना सीएम बदल दूंगा, याद है आपको। आज 5 साल हो गए हैं, किसान परेशान और हैरान है और सीएम को लेकर मचा हुआ छत्तीसगढ़ में घमासान है। और मुझे लगता है राहुल गांधी जी की क्षमता ऑब्लिग हैसियत से बाहर है। बदलना तो छोड़िए, समझाना भी।